हाय एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आपके आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसमें फ्रेंड देख सकते हैं, सबसे पहला टिप्स है हमारा इस तरीके के आटे को लेकर के। तो मैंने यहाँ पे ना, ये खास करके स्टूडेंट लोगों के लिए है या फिर जिसके पास गम ना हो, टेम्प्रोरी है। तो अगर कोई भी रैक वगैरह ख़राब हो जाता है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, आटे का गम बनाएं। यहाँ पे आटा, गेहूं का आटा ले लिए, उसमें पानी डाल दिया। गर्म पानी डालेगा तो और ज़्यादा ही इसका लस्सा पकड़ेगा अच्छे से। और पेपर पे मैं इस तरीके से यहाँ पे डाल रही हूँ लय बना के अच्छे से इसका। बिल्कुल ये गम की तरह काम करता है, जल्दी नहीं उखड़ता है, बहुत ही दिन तक रहता है, साल तक रहता ही है समझिए। तो यहाँ पे मैं ना इस रैक पे रख रही हूँ। ये रैक बहुत ही गंदा था और ये कलर करने के लिए भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा पेपर ही चिपका देती हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये आटा से बना हुआ लैसे ये चिपक जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगा हो। देख सकते हैं पूरा मैंने आटा से ही बना हुआ लैसे चिपकाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारे इस तरीके के चने और मूंग को लेकर के। तो हम लोग को पता होगा कि चने और मूंग में कितना ज़्यादा प्रोटीन भर भर के रहता है, इसे सुबह सुबह खाना भी चाहिए। अब ठंड के मौसम में तो गुड़ डाल के ही खाना चाहिए इसे। तो फिर मैंने ना इसे फुला लिया। और अंकुरित चना, इससे ज़्यादा अंकुरित चना जो होता है या फिर मूंग अंकुरित जो अंकुर जाता है, वो खाने में कुछ ज़्यादा ही फायदा करता है। तो बहुत से लोगों के मन में रहता है कि अकुराए कैसे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ना एक कोई सा भी कॉटन का या फिर कैसा भी दुपट्टा ले सकते हो सफ़ा वाला, उसके ऊपर मैं इसे डाल दूंगी। पहले इसे भिगो के रख दिया था 2-3 घंटा तक, ये फूल गया है। और इसके बाद मैं इसे ना इस दुपट्टे में डाल के बांध दूंगी इसको, दोनों छोर को साइड से देख सकते हैं। और बांधने के बाद ना इसे मैंने शाम के टाइम में किया है, रात भर मैंने छोड़ दिया था। तो ये ना सुबह मैंने खोल के देख रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसे सुबह में खोल के देखी तो ऑटोमेटिक देख सकते सारे चने और जितने भी मूंग थे सब अकुरे हुए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से अकुर चुका है। तो इसे अब हम इसमें नमक मिर्ची और काला नमक नींबू डाल के इसे हम खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है और फ़ायदे भी करता है। तो आई होप कि पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टिप्स है झाड़ू को लेकर के। तो हमारे घरों में झाड़ू जो रहता है वो या तो भींग जाती है, तो उसे सुखाने के लिए पानी धूप में डाल दीजिए या फिर पाउडर लगा के हल्का हल्का छोड़ दीजिए तो सूख जाएगा। और दूसरा ये है कि शनिवार के दिन अगर हम झाड़ू पे हल्दी डालते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे घरों में जितना भी पाप होता है सब कट जाता है। और अगला टिप्स है इस तरीके की तेल को लेकर के। जब भी हमारे किचन में खाना वाना बनाते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हैं, पराठे वगैरह, तो तेल जो है ना वो रैक पे गिर जाती है किचन के स्लैब पे। तो ये ना अगर हम पोंछते हैं तो पूरे उस पर लग जाता है, चिपचिप हो जाता है और ये सब जगह फैल भी जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया। इस तेल के ऊपर मैं गेहूँ का आटा डाल दी हूँ मैं, जिससे क्या होगा ना ये तेल ना एब्जॉर्ब कर लेगा गेहूँ का आटा पूरा। और उसके बाद ना इतना ही दूर ये मेरा गंदा भी होगा और इतना ही दूर मैं इसे ना मिक्स करके निकाल भी दूँगी। जब आटा बच जाता है रोटी बनाने के बाद सूखा वाला, उसी आटे का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हैं इतना ही दूर में मेरा ये क्लीन भी हो गया, थोड़ा भी चिपचिपा नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा भी नहीं चिपचिपा है और हमारा रैक भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस वाले आटे को ना हम छत पे दे आएंगे ताकि पक्षी वगैरह खा लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।